अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अक्सर मैं जब कंफ्यूज हो जाता हूं या जब कुछ समझ में नहीं आता लाइफ में या मोटिवेशन चाहिए होती है तो हम किस चीज पे फोकस करते हैं, एटलीस्ट मैं किस चीज पे फोकस करता हूं, हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे फोकस करते हैं। और वो एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है मुझे मिलती है स्वामी विवेकानंद से, जिन्होंने ये कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। तो इस चीज को देखते हुए समझते हुए मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप 65 डेज की स्ट्रेटजी बनाई है रोड टू प्रिलिम्स 2024। प्रिलिम्स तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ा गया है। और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी फॉलो होना चाहिए, आपका डे टू डे टाइम टेबल किस लॉट में मैंने डिवाइड करा है, कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीच यूपीएससी पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रीच यूपीएससी हमारा चैनल है, एक नया इनिशिएटिव है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं दिस इज अ 65 डे स्ट्रैटेजी रोड टू प्रिलिम्स 2024। अब पिछले कई सालों का वेटेज देखते हुए अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को क्लब करूं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को हमने क्लब करा हुआ है आप लोगों के लिए, और उन सारे क्लब सब्जेक्ट्स के अनुमान लगाते हुए कि कितने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से आते हैं, ये जो चीज है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन, आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं सिर्फ एक रीइंफोर्समेंट कर रहा हूं इस चीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखना चाहिए, दिस इज व्हाट आई थिंक। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को आप कंबाइंड फॉर्म में देखें तो आप ये मान के चले कि 30+ क्वेश्चंस आपको यहां से जरूर मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस का जो वेटेज है, इन दोनों पोर्शंस का वेटेज है, ये तकरीबन 35 सवालों तक जा सकता है, इट कैन रीच टू 35 क्वेश्चंस, तो रेंज कैन बी 33-35। उसके बाद पॉलिटी जो कि आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और इकोनॉमी जो आप सबको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है लेकिन मुझ जैसे टीचर्स इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको रफली 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, इट कैन रेंज बिटवीन 12-15, इट कैन फिक्स इवन टू 15 क्वेश्चंस, 15 एमसीक्यूज आपको पॉलिटी और इकोनॉमी ईच से मिल सकते हैं। फिर बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो मोस्टली मेजरली करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज भी रफली 12-15 सवाल का रहता है, इसको आप करंट अफेयर्स से ओवरलैपिंग मान सकते हो, इसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन मान सकते हो, इसे आप इसमें कुछ कुछ चीजें जनरल साइंस की इंक्लूड हो सकती है विच ओवरलैप विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो काफी सारी चीजें हो सकती है। तो इसका जो रफ वेटेज हम मान सकते हैं वो तकरीबन 12-15 सवाल है। आज से 5 साल पहले जिस एरिया का वेटेज ना के बराबर नेग्लिजिबल हुआ करता था, और जब मैं एग्जाम देता था 2012-13 में तब इस पोर्शन को कवर ही नहीं करते थे, मेडिवल इंडिया तो क्लासेस में भी कवर नहीं होता था, एंशिएंट वाज वेरी लिमिटेड टू कवर, तो एंशिएंट एंड मेडिवल का जो वेटेज है अब तकरीबन 8 सवालों तक का हो गया है। तो इस पोर्शन पे खास ध्यान देना, इस पोर्शन को खास पढ़ना ये बहुत जरूरी है, इस चीज को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, मेडिवल इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आईआर एंड मैपिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन लगता है, मेरा पर्सनल बड़ा फेवरेट आईआर और मैपिंग एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाना मेरा पैशन भी है। तो आईआर एंड मैपिंग में एनीवेयर बिटवीन 10-15 क्वेश्चंस, मैपिंग जो है इसको हम यहां ज्योग्राफी के पोर्शन से थोड़ा अलग मान के चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग इट अदर देन ज्योग्राफी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर का वेटेज कम हो गया है, टेबल्स टर्न हो गई है, पहले मॉडर्न इंडिया से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते थे, अब मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी कम हो गए हैं क्वेश्चंस। ऑल्दो अगर आप रिलीजन का पार्ट मानोगे तो बुद्धिज्म पे जैनिज्म पे काफी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी सवाल पूछता है, लेकिन मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का वेटेज रफली पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो 5 सवालों से ऊपर नहीं गया है, क्योंकि फोकस आ गया है एंशिएंट और मेडिवल इंडिया पे। तो ये सारे आपके पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस में मैंने आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड करा है,
इसमें करंट अफेयर्स को हमने अलग से इंक्लूड नहीं करा है। करंट अफेयर्स का ओवरलैपिंग पोर्शन इकोनॉमी में है, एनवायरनमेंट में भी है, साइंस एंड टेक में है, आईआर में है, मैपिंग में है, हर पोर्शन में ये चीजें इंक्लूडेड है। तो ये रफ एस्टिमेशन है वेटेज ऑफ क्वेश्चंस का, और ऑब्वियसली जो टोटल आता है वो है 100 एमसीक्यूज। इट इज कमिंग टू 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन जीएस पेपर वन। तो बात आती है 65 डेज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हम ये सारे पोर्शंस इफेक्टिवली कवर कर सके और उसके साथ साथ रिवाइज कर सके। तो सब्जेक्ट्स को दिन ब दिन किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, या एक लॉट ऑफ नंबर ऑफ डेज जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम यहां पर यह देखेंगे कि आपका जो वेटेज है वो यहां पर कैसे अप्लाई हो रहा है, आपको कितने कितने दिन हर एक पोर्शन को देने चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा यहां पर आपको रफ दिख रहा होगा, लेकिन ये वही ऑर्डर है जो ऑर्डर हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो जो पहला पोर्शन है, दिस इज ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, में बता रहा हूं अगर आपको थोड़ा सा कम भी दिख रहा है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इन 65 डेज में से 10 दिन कम से कम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में आपको देने चाहिए, दिस शुड बी गिवन। इसका रीजन ये है कि ये जो पोर्शन है ये आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस देने वाला है प्री में, एटलीस्ट जो पास ईयर ट्रेंड्स देखते हुए पता चलता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आईआर एंड मैपिंग, ये आईआर एंड मैपिंग का पोर्शन है ये देता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 डेज, ये 5 दिन में खत्म हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इजिली 5 डेज में खत्म हो सकता है। इसके बाद बारी है पॉलिटी और इकोनॉमी, जिसमें दोनों पोर्शन को 10-10 डेज ईच आपको देने चाहिए। इन 10-10 डेज ईच में पूरा सिलेबस पॉलिटी और इकोनॉमी का, जो भी आपकी बेस बुक है, जो भी आपका रिविजन मटीरियल है, कोचिंग का मटीरियल है, हैंड रिटन नोट्स है, माइक्रो नोट्स है, कुछ भी है, सो यू कैन इजिली गिव 10 डेज ईच टू पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फिर साइंस एंड टेक की बात करी जाए तो कम से कम एक हफ्ता मेरे अनुमान में साइंस एंड टेक को लगता है। जिसका बैकग्राउंड साइंस एंड टेक में है उसको कम टाइम भी लग सकता है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उनको हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग सकता है, वो आप ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट दैट। एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया विल टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा। इसको हमने नंबर ऑफ डेज यहां पे 6 डेज दिए हैं, लेकिन अगर किसी का मेडिवल इंडिया रिवाइज नहीं है या कोई पढ़ रहा है और थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा यहां पे ज्यादा होता है, सो इवन इफ यू नीड टू गिव मोर डेज टू एंशियंट मेडिवल, तो आप पॉलिटी इकोनॉमी में से नंबर ऑफ डेज कम करके यहां पर एलोकेट कर सकते हैं, एंशियंट मेडिवल में एलोकेट कर सकते हैं। यहां पे टाइम देना आप लोगों को फ्रूटफुल रहेगा और आपको रिटर्न भी देगा, आरओआई अच्छा है एंशियंट मेडिवल पे। मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर को हमने सबसे कम टाइम दिया है, अज्यूम करते हुए कि मॉडर्न इंडिया आपको कोचिंग में पढ़ाया गया होगा और आर्ट एंड कल्चर का भी कोचिंग पे काफी फोकस रहता है, तो रिविजन के लिए 3 डेज आर सफिशिएंट। और फिर वही बात, इफ यू वांट टू गिव मोर टाइम टू दिस, तो आप पॉलिटी इकोनॉमी में से नंबर ऑफ डेज कम कर सकते हो या ज्योग्राफी एनवायरमेंट में से भी कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी एनवायरमेंट कंबाइंड पोर्शन में 10 दिन लगेंगे, इट विल नॉट टेक लेस देन दैट, तो यहां पे आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हो। अब क्योंकि हमारे कई सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो कि कम हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं होता है, हाफ डे वेस्ट हो जाता है या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आप लोगों के लिए खास जो है वो मैंने रिजर्व डेज फॉर बैकलॉग, बैकलॉग कवर करने के लिए जो रिजर्व डेज रखे हैं वो रखे हैं 4 दिन, आई हैव केप 4 डेज विच आर रिजर्व डेज, ये बैकलॉग के लिए है। पोर्शंस जो छूटेंगे, और वो जरूर छूटेंगे, वो आपको अभी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट वो जरूर छूटेंगे, तो 4 डेज का पोर्शन जो है बैकलॉग पूरा करने के लिए है। PYQs जो आपको करने हैं, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप 25 साल 40 साल 50 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। जो चीज आपको यहां पर करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2019 टू 2023, ये आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो मात्र 5 साल के पेपर है, 2019, 20, 21, 22, 23, इन 5 साल के पेपर्स पे खास ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस के साथ साथ जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं और इनकरेक्ट ऑप्शन क्यों है, ये 5 साल के पेपर आपको इतना सिखाएंगे जितना किताबें नहीं सिखा पाएंगी। जो टॉपिक्स आप किताबों से पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने ओशनोग्राफी पढ़ा,
ये सारी चीज पढ़ने के बाद जब आप उसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो एप्लीकेशन सही मायनों में आपको यहीं से पता लगेगा, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और मैं कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं रख रहा हूं, इतना तो आपको बेयर मिनिमम करना चाहिए कि पिछले 5 साल के ही पेपर हैं यहां पे, जिसको आपको सॉल्व करना है। ये करने के बाद देखने नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है, 2 घंटे लगाने हैं। आप सॉल्व करोगे और फिर देखोगे कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, और उसके बेसिस पे जो है आप बाकी की चीजें करेंगे। यू विल डू दी अदर थिंग्स, जैसे कि इनकरेक्ट ऑप्शंस का एनालिसिस, और ये सब चीजें जो है आप इसके बेसिस पे करेंगे। उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली टेस्ट सीरीज है, जिसको मैंने एमसीक्यूज में इंक्लूड करा हुआ है। नहीं तो आप और किताबों से जो एमसीक्यूज रिवाइज करते हो या पढ़ते हो, या टेस्ट सीरीज के ही एमसीक्यूज पढ़ते हो, तो एमसीक्यूज है। और पीवाईक्यू नोट्स रिविजन जो आपने यहां बनाए होंगे, पहले के पीवाईक्यूज या और भी पीवाईक्यूज के काफी आजकल नोट्स घूम रहे हैं, उनका रिविजन यहां पर आता है। सो दीज टू पोर्शंस आर कमिंग, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू नोट्स रिविजन। ये दो चीजें जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। अब ये मैं आपको अभी बता रहा हूं दैट इसके लिए मैंने आपके नंबर ऑफ डेज एलोकेट करे हैं, 5 डेज ईच, 10 दिन दिए हैं इस चीज को। इन 10 दिन में 5 टेस्ट जो कि पीवाईक्यू उसके होंगे, और कम से कम 10 टेस्ट, या आप समझ के चले 8 to 10 टेस्ट एमसीक्यू सॉल्विंग पे, जो आपके कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट होंगे, जो कि आपके कॉम्प्रेहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसे आप मॉक टेस्ट भी कहते हो, वो आपको करने चाहिए। तो 5 + 10, एटलीस्ट 15 कॉम्प्रेहेंसिव मॉक टेस्ट जो है ये आपको करने चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड डू। फिर गो थ्रू ऑल द प्रिलिम्स नोट्स, प्रिलिम्स नोट्स या किताबें या जो भी आपके रिविजन मटेरियल रहा हो, तो इसके लिए आखिरी के 3 दिन डेडिकेट करें हैं, जिसमें आप बिल्कुल मेंटली फ्री होंगे और उसके हिसाब से आप तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है नंबर ऑफ डेज अनुसार आप लोगों के लिए डिवाइडेड है, दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब सवाल ये उठता है, इन डेज में से कब कब क्या क्या पढ़े, व्हाट ऑल टू स्टडी ऑन व्हाट ऑल डेज। मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि दो तरीके हैं, मेरे अंडरस्टैंडिंग में मैंने दो तरीके निकाले हैं जो कि इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई हो सकते हैं। सो देयर आर टू वेज। जो पहला तरीका है वो ये है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार, जब जब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाए, एक सब्जेक्ट हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, हिस्ट्री हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स अप्रोच अडॉप्ट करने में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स रोज तो कवर नहीं हो सकते। या तो आप इसमें वीकली स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, या कुछ कुछ दिन ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, या रोज के हिसाब से जो है हम 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे जब तक कि दोनों सब्जेक्ट खत्म ना हो जाएं, अगले 10 दिन, अगले 15 दिन। तो इस तरीके से आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। जब इस अप्रोच को हम देखते हैं तो ये दोनों में से कोई भी अप्रोच जो आपको अपनी लाइकिंग के हिसाब से सूटेबल लगे, आप प्लीज वही फॉलो करिए। इफ यू थिंक दैट यू हैव अ बेटर अप्रोच विच इज सूटेबल फॉर यू, डू नॉट गो बाय वॉट टॉपर्स आर सेइंग, डू नॉट गो बाय वॉट योर टीचर्स आर सेइंग, जस्ट गो बाय वॉट इज सूटेबल फॉर यू, जो आप लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच जो है वो सूटेबल है, तो आप इसको अडॉप्ट करें। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स अप्रोच अडॉप्ट करनी है, कि 2 सब्जेक्ट साथ में चलाने हैं या 3 सब्जेक्ट साथ में चलाने हैं जब तक वो खत्म ना हो, तो आप इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करें, इस अप्रोच को अडॉप्ट करें। इट इज टोटली अप टू यू, आई एम नो वन टू टेल यू कि आप ये अप्रोच फॉलो करो। लेकिन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप बताइए हम कैसी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक स्पेसिफिक, एक बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते, एक एडुकेटर होने के नाते, आपको अपनी तरफ से मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता सकता हूं, जो मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है सारे स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। जिन स्टूडेंट्स को ने क्लासेस करी है, जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही हैं, जिन स्टूडेंट्स ने रिविजन करा है, जो स्टूडेंट्स रिविजन किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो मैंने अपने हिसाब से एक बैलेंस स्ट्रैटेजी, जो कि मुझे ऐसा लगता है प्योर कवरेज के लिए प्लस प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे डिवाइस करी है। आई हैव डिवाइस दैट स्ट्रैटेजी। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आप इसको ध्यान रखें,
ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो अगर करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, मेरा पूरा सपोर्ट आपके पास है। लेकिन फिर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अगर आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हैं या किसी और एडुकेटर की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज गो अहेड विद दैट इफ दैट इज सूटिंग यू, अगर वो चीज आप लोगों के लिए सूट करती हो तो। स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं दो डिस्क्लेमर्स या दो स्पेसिफिक चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली चीज यह है 65 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप मन लगा के तरीके से इस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम आपका क्लियर ना हो। अभी से प्रीलिम्स तक की रोड तक के लिए एग्जाम क्लियर करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप यह बात समझिए, ये मत सोचिए कि अभी पॉसिबल नहीं है या टाइम निकल गया या कुछ हो गया या ये हो गया वो हो गया। 2 महीने में प्रीलिम्स पूरा कवर हो सकता है और क्लियर करने लायक कवर हो सकता है अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो। अब शिद्दत से पढ़ाई, दूसरी चीज वो ये है कि आप इस वक्त से, अभी से, आज से जब से ये वीडियो एयर हुआ है, आप 10 से 12 घंटे 10 to 12 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज रिक्वायर्ड। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये टाइम टेबल बना है। और ये टाइम टेबल इफेक्टिवली तभी अचीव होगा अगर आप 10 से 12 घंटे जो है अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। और मेरे ख्याल ये कोई बहुत बड़ी आस्क नहीं है, 2 महीने है पेपर को तो उतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन गिव। तो दोनों चीजों को दिमाग में रखें। और अब जो है आप इस स्ट्रैटेजी को देखें, इस स्ट्रैटेजी को ब्लॉक्स में बनाया गया है। ब्लॉक्स से मेरा मतलब है एक ब्लॉक सर्टन नंबर ऑफ डेज का है, 18 मार्च से 7 अप्रैल, 18th ऑफ मार्च टू 7th ऑफ अप्रैल, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जितने डेज हैं आप देख सकते हैं रफली 20 दिन हैं। इन 20 दिनों में आपको क्या क्या चीजें किन किन सब्जेक्ट्स में किन किन डेज के अकॉर्डिंग कवर करनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पर दे रखा है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आपका रिविजन, जो आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी है वो चलेगी। फिर मैं बता रहा हूं यहां पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कंफर्ट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में कंफर्ट नहीं होता है। तो नंबर ऑफ डेज आप ऊपर नीचे 19 कर सकते हो कि कहीं किसी सब्जेक्ट में बढ़ा लो, किसी सब्जेक्ट में कम कर लो, दैट इज अप टू यू। लेकिन एक रफ स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी एनवायरमेंट, जो कि चलेगा 18 मार्च, यानी कि कल 18 मार्च से 22 मार्च तक। इट वुड वर्क ऑन दिस बेसिस, इसको आप 5 दिन देंगे और इसको 5 दिन देना जरूरी है। इसमें आपका 50% ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का रिवीजन खत्म होना चाहिए। उसके बाद आता है पॉलिटी, 23 से 26 मार्च, ये 4 दिन होते हैं। इसमें मैंने एक दिन जो है होली का रखा हुआ है कि होली वाले दिन जनरली अगर फर्स्ट हाफ में पढ़ाई नहीं हो पाई तो आप सेकंड हाफ में पढ़ाई करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स को आप 27 से 30 मार्च, पॉलिटी इकोनॉमी कंबाइंड आपको 30 सवाल देंगे, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द प्रॉपर कवरेज ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स। साइंस एंड टेक 31 मार्च टू 2 अप्रैल, अगेन करंट अफेयर्स, जनरल साइंस का कुछ पोर्शन, प्लस जो जैसे कि कोई नए मिशंस लॉन्च हुए हैं, चंद्रयान के बारे में बात हो रही है, मंगलयान के बारे में बात हुई थी, मैन मिशन टू मून है, और ग्लोबल जो मिशंस हैं चाहे वो रशिया रॉसकॉस्मोस के हो, नासा के हो या सर्न के हो, तो ये सारी चीजें साइंस एंड टेक यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। एंशियंट और मेडिवल को हमने 2 दिन दिए हैं और मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर को हमने 1 दिन दिया है। ये जो हिस्ट्री वाले पोर्शंस हैं इनमें आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हैं अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वो डेज आपको फिर यहां से एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये 7 अप्रैल वाला बैरियर आप पार नहीं करेंगे, यू विल नॉट क्रॉस दिस बैरियर ऑफ 7th of April। आयर और मैपिंग जो है वो 2 दिन में हो जाएगी, ये एक हॉबी की तरह है। मतलब मैपिंग तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं एक हॉबी है। मैपिंग की अगर आप आदत डाल लो तो पूरे साल फ्री टाइम में बैठ के अगर आप आधे आधे एक एक घंटे भी मैप्स देखें, और ये सही में हॉबी है, मतलब मैंने तो ऐसी देखे पढ़ाई करी थी, मेरे मैप्स आज भी 2013-14 के मैप्स एटलसेस मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। उसमें मैंने एक एक चीज प्लॉटिंग करी थी कि कहाँ पे क्या मिलता है, किस टाइप का सॉइल है, कैसा वेजिटेशन है, कैसा वेदर होता है वहां पे, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। तो मैपिंग तो लिटरली एक हॉबी है, तो मैपिंग आप रोज कर सकते हो, अगर किसी की हैबिट रही हो या किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल हो तो उसे तो मैप क्लियर होगा। और आईआर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स, भारत की रैंकिंग अलग अलग इंडिसेस पे, तो ये चीजें जो है ये आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आती है, तो ये भी मोस्टली करंट बेस्ड चीजें ही होती हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट ब्लॉक का। फिर बता रहा हूं नंबर ऑफ डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरी चीज जो है ये जो डेट है कट ऑफ डेट 7th अप्रैल की, ये क्रॉस नहीं हो सकती। तो जो आपका पहला ब्लॉक है दिस इज ब्लॉक 1, इस ब्लॉक को देखते हुए
आप कट ऑफ डेट जो है वो फॉलो ब्रीच नहीं कर सकते, आपको इसी कट ऑफ डेट पे स्टिक करना है। फिर आती है बारी सेकंड फेज की जो है ब्लॉक टू। ब्लॉक टू हमने नंबर ऑफ डेज कम रखे हैं, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल, तकरीबन 16 दिन का ब्लॉक है। इन 16 डेज में आपको 9 से 12 अप्रैल तक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कवर करना है। पॉलिटी इज फ्रॉम 13 टू 16 अप्रैल, 17 टू 20 इज इकोनॉमिक्स। इसमें आपका इको और पॉलिटी मोस्टली खत्म हो जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेफ्ट। साइंस एंड टेक 2 डेज, एंशियंट मेडिवल 2 डेज, आईआर एंड मैपिंग ओनली 1 डे, एंड मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर डज नॉट हैव स्पेस इन दिस ब्लॉक। यू इफ यू हैव टू स्टडी मॉडर्न मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, यू हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ डेज फ्रॉम हियर। फिर बता रहा हूं, ये जो बैरियर है 25 अप्रैल का, ये ब्रीच नहीं हो सकता, दिस कैनॉट बी ब्रीच्ड। यू हैव टू फिक्स द टाइमलाइंस, तभी आपकी पढ़ाई फोकस्ड होगी। इसमें आप मेरा विश्वास रखिए, चाहे आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं या आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, जो भी टाइम टेबल आप फॉलो करें उसमें जो भी नंबर ऑफ डेज आपने सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करे हुए हैं, उस नंबर ऑफ डेज के टारगेट को ब्रीच ना करें। क्योंकि अगर वो टारगेट ब्रीच हुआ तो फिर आपके सारे टारगेट्स ब्रीच होंगे। आपका 26-27 तक तो सिलेबस छोड़ो, आपका मई एंड तक भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस अप टिल देन। सो 25th ऑफ अप्रैल तक जो है ये सेकेंड ब्लॉक है, और जो थर्ड फेज है, थर्ड ब्लॉक है, वो है फिर तकरीबन 14 दिन का, 27th ऑफ अप्रैल टू 10th ऑफ मई। ये जो ब्लॉक है 2 दिन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को, 3-4 दिन पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स 2 दिन, साइंस एंड टेक 2 दिन, एंशियंट मटीरियल 2 दिन, आईआर एंड मैपिंग 2 दिन, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर 2 दिन। इस तरीके से ये चीज डिवाइडेड है, दिस हैज बीन डिवाइडेड। इस चीज को देखकर आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि कैसे ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करें एक फेज में, जिससे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इस दिन तक 10 मई तक खत्म हो जाए। तो 18 मार्च से लेके 10th ऑफ मई तक का रिवीजन प्लान है सब्जेक्ट वाइज, जो कि 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। इसको 2 ब्लॉक्स में भी किया जा सकता था, इसको 4 ब्लॉक्स में भी किया जा सकता था, लेकिन 3 ब्लॉक्स एक ऐप चीज में मुझे लगी, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2 ब्लॉक्स में ये होता है, फिर आप 2 सब्जेक्ट अप्रोच को फॉलो करते हो, 2 सब्जेक्ट अप्रोच कैन बी फॉलोड, नंबर ऑफ डेज एलोकेटेड टू ईच सब्जेक्ट कैन बी वेरी वेरी हाई। उसमें ये होता है कि महीने भर तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा फोकस लूज होने के चांसेस है। मैं चाहता नहीं था आपका फोकस लूज हो। जैसे ही आपका फोकस थोड़ा कम होने लगे साइंस एंड टेक में, पॉलिटी में, तब तक नए सब्जेक्ट की बारी आ जाती है। तो आपको पता है पॉलिटी कल तक पढ़नी है, फिर इकोनॉमी है, इकोनॉमी कल तक पढ़नी है, फिर साइंस एंड टेक है, फिर आईआर है, फिर मैपिंग है। इस वजह से रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज देखते हुए 3 ब्लॉक से एक एप्ट अप्रोच है। इसी में अगर टाइम ज्यादा होता, 80 डेज 90 डेज अप्रोच होती, तो फिर हम अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते, लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रैटेजी जो है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है फॉलो करने के लिए। फिर 12 मई से 24 मई, 12th ऑफ मई टू 24th ऑफ मई, दिस इज रफली 11-12 डेज। इन 12 डेज में ये 5 मॉक टेस्ट आपको करने हैं। ये PYQs का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको ये देखने हैं पेपर, देखने नहीं है। इन पेपर्स का प्रिंट आउट लीजिए या ऑनलाइन खोल लीजिए, और ऑनलाइन खोलने के बाद आप एक OMR लेकर ये सारे के सारे पेपर्स सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व इट, चाहे आंसर आता भी हो फिर भी आप सॉल्व करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, टाइम करके 2 घंटे आप इसे सॉल्व करोगे। दिस इज व्हाट यू विल सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग द पेपर, आफ्टर कैलकुलेटिंग योर स्कोर, यू विल एनालाइज व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट डिड यू लीव, क्या आपने छोड़ा, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि गलत ऑप्शंस हैं, उनका एनालिसिस किस तरीके से हो पा रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू विल डू फॉर दीज 5 डेज। इन्हीं 5 दिनों में अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा, तो आप 5 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करोगे। सो प्लस 5 मॉक टेस्ट, ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हैं और ये आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 PYQs और 5 मॉक टेस्ट आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूं। इन 5 मॉक टेस्ट जो है, इसकी जगह अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पहले के करना चाहे, 2019 के पहले जाना चाहे, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप 2013 तक भी जा सकते हैं और 5 ईयर्स के टेस्ट करने में। लेकिन ये जो टेस्टिंग वाला फेज है, इसको आप नहीं छोड़ोगे, टेस्ट आपको देने ही देने हैं। जैसा मैंने बताया, अगले 65 दिनों में, 65 डेज में आपको 15 मॉक टेस्ट देने हैं। यू हैव टू गिव 15 मॉक टेस्ट, और ये 15 मॉक टेस्ट आप जितना थोड़ा आगे जाके अगर मई के महीने में करोगे तो ये स्पेसिफिकली ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तब आपका एप्लीकेशन बिल्कुल पीक पे होगा। और रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन पहले, और उसके बाद आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग होगी। फिर 17 से 21 मई
फिर से आप जो है आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज कोई भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, दीज कैन बी सेक्शनल टेस्ट और दीज कैन बी मॉक टेस्ट बोथ। प्लस पीवाईक्यू नोट्स रिवीजन। पीवाईक्यू नोट्स रिवीजन का मतलब ये है कि जितने भी पीवाईक्यूज आपके पास है, तो चाहे वो 30 साल के हो, 40 साल के हो, 10 साल के हो, जितने मर्जी साल के हो, उन सब पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सॉल्व, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू सब्जेक्ट वाइज, ये चीज आप कर सकते हो। तो एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, और अगर ये पीवाईक्यूज आपने कर लिए हो या आप इन पीवाईक्यूज पे स्पेसिफिकली आपके पास नोट्स नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, तो 5 मॉक टेस्ट आप और दे सकते हैं यहां पे, बिकॉज दीज नंबर ऑफ डेज 4-5 डेज यू कैन इजिली अपेयर फॉर 5 मोर मॉक टेस्ट। तो एमसीक्यू रिविजन इसकी जगह आप मॉक टेस्ट करें और पीवाईक्यूज का रिविजन करें। तो कुल मिला के यहां से यहां तक आपके 15 मॉक टेस्ट हुए, जिसमें से 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और बाकी 10 आपके मॉक टेस्ट हुए। और फाइनली जो आखिरी के 2-3 दिन है, इसमें आप प्रिलिम्स में आपने जो जो कुछ पढ़ा है, जो आपको लगे कि आपका वीक पोर्शन है, आप भूल रहे हो, पढ़े हुए टाइम हो गया, जैसे हमने मार्च में पढ़ा था, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करें। जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा था कि आपको नहीं आते हैं या आपको रिवाइज करने चाहिए, आप उन चीजों पर फोकस करें। इन चीजों पे फोकस करने से होगा ये कि आखिरी के 2-3 दिन सिर्फ ब्रशअप कॉन्सेप्ट होते हैं। ये ना फ्लिपिंग वाली चीज होती है कि आप पेज पलट रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई ये आता है, ये आता है, ये आता है, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। दैट फ्लिपिंग इज समथिंग विच इज नीडेड। ये सब चीजें आती हैं, तो इन चीजों के लिए मैंने आखिरी के 12 दिन डेडिकेट करे हैं। अभी से लेकर अगर कुछ नया पढ़ना हो, अभी से लेकर आप 10 मई तक या 11 मई तक आप नई चीजें पढ़ सकते हो, उसके बाद आप नई चीजें नहीं पढ़ सकते। यू शुड नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, क्योंकि याद रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने नई चीज पढ़ी आज, या आपने नई चीज पढ़ी अप्रैल में या मई में, उसको कब आप रिवाइज करोगे? अगर वो याद नहीं रहे तो पढ़ने का फायदा नहीं है, इट विल बी ऑफ नो यूज। तो इस वजह से ये चीज बहुत जरूरी है दैट यू रिमेंबर कि किस तरीके से ये कवर करना है। तो ये आपका ब्लॉक है। ये जो PDF है, ये मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। टेलीग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब टू दैट टेलीग्राम हैंडल। यहां पे मैंने आपका डे डिवाइड करा हुआ है, आई हैव डिवाइडेड योर डे। सो टाइम 24 आवर्स फॉर्मेट जो है, 2 घंटे करंट अफेयर्स का रिविजन। करंट अफेयर्स के रिविजन में यही सब चीजें आएंगी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, मैपिंग, पॉलिटी के कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, इकोनॉमी के कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। दीज 2 आवर्स हैव टू बी डेडिकेटेड। 6 आवर्स आप पढ़ेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट उस दिन का डेडिकेटेड है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, इको, पॉलिटी, एमैक, मॉडर्न इंडिया, कोई भी चीज डेडिकेटेड हो वो चीज आती है यहाँ पे। 6 घंटे लगा के आपको ये पढ़ना है। ये 6 आवर्स बहुत ज्यादा क्रूशल होंगे, क्योंकि आपको कोशिश करनी है इन 6 घंटों में आप ये वाला रिविजन करें ही करें। यू हैव टू डू दिस रिविजन। तो ये आपका स्टडी पीरियड होगा 8 आवर्स का, करेंट अफेयर्स प्लस GS1 सब्जेक्ट। ये करंट अफेयर्स मोस्टली रिवीजन का है, क्योंकि एक अप्रैल के बाद आपको न्यूज़पेपर फ्रेश उस दिन का पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप रिवाइज करोगे जो पिछले 1 साल में आपने कवर किया हुआ है, व्हाट यू हैव कवर्ड इन द लास्ट 1 ईयर। इसके सिवा आप GS1 के MCQs इसे प्रैक्टिस करोगे 2 घंटे, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। इसमें MCQ प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट दो, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। अब ये प्रैक्टिस का टाइम आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि 1 घंटे में हो पा रहा है तो ठीक है, अगर 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है, एक किसी तरह ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ज्यादा टाइम दो। इसमें मैंने अपर लिमिट 2 आवर्स दिया हुआ है। ये टेस्ट नहीं है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए जो पोर्शन आपने खत्म करा, उस पोर्शन के MCQs आप प्रैक्टिस करें, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो GS1 MCQs मतलब जो भी जनरल स्टडीज के हैं, और जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है, अगर वो यहां पे कम टाइम लग रहा है, मान लीजिए 1 घंटे में आपके GS के MCQs हो गए, तो 3 घंटे जो आपके पास बचे हैं, 2.5-3 घंटे, अब आती है बारी CSAT की। CSAT की प्रैक्टिस जो है वो आपको 2 घंटे तो कम से कम करनी है रोज के हिसाब से, अभी से लेके पेपर तक, और अगर मौका पड़े किसी दिन तो आपको ज्यादा भी प्रैक्टिस करनी है। इसमें अभी से लेकर अगर आपको कुछ शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। इन व्हाट सेंस आप शुरू कर सकते हैं? इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दोस पोर्शंस विच आर वीक। CSAT का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अपकमिंग वीडियो जो होगा वो अलग अलग टॉपिक्स पे होगा। तो ये जो चीज है ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूं मैं। करंट अफेयर्स पे एक्सेसिव फोकस नहीं करना है।
करंट अफेयर्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा डूब जाओगे और उस रिविजन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में एक क्लियर बाइफर्केशन कि क्या चीज प्रिलिम्स के लिए है क्या चीज मेंस के लिए है कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, तो उस चीज में वो खो बैठते हैं कि कहां पे उनको रुकना है। सो यू हैव टू बेसिकली स्टॉप एट वन प्लेस। इस वजह से करंट अफेयर्स पे एक्सेसिव फोकस ना करें, पढ़ना है छोड़ना नहीं है लेकिन आप उस पर एक्सेसिव फोकस ना करें। मेंस ओरिएंटेड जो आर्टिकल्स लंबे लंबे होंगे उनको छोड़ो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो चीज प्रिलिम्स में नहीं आएगी। इसमें जो करंट अफेयर्स पे फोकस होगा एनवायरमेंट पे, मेजरली एनवायरमेंट पे, साइंस एंड टेक पे, इकोनॉमी पे, इन तीन चीजों पे बहुत मैसिव फोकस होगा। कुछ कुछ चीजें जैसे कि जो राज्यसभा में बिल्स पास हुए हैं विंटर सेशन में, सीआरपीसी, आईपीसी रिजुविनेट हुआ है और कई चीजें हुई हैं, तो वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद बारी आती है अपकमिंग सेशंस की, जो मैं मतलब मेरे मेरे दिमाग में है और मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट कर दिया। अब जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जितने स्टूडेंट्स देखना चाहते होंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप और किन चीजों पे चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं। हाउ टू अप्रोच सीसैट, ये एक चीज है। हाउ टू अप्रोच GS1, ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मैंने आपको टाइम टेबल तो बता दिया है लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है। हाउ टू सॉल्व MCQs एंड देन नोट मेकिंग, MCQs की नोट मेकिंग किस तरीके से होनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स 2024, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्या लिस्ट है। तो ये मेरे मेरे जहन में चार सवाल आए थे। आप किस चीज पे क्या देखना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और पेपर का लेवल क्या रहेगा इस चीज को देखने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो दिख जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में आपको 4-5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था कि यूपीएससी का स्पेसिफिक, आप ये ध्यान रखें, लेवल इस बार प्रीलिम्स का क्या हो सकता है। इसका थोड़ा बहुत हिंट हमें मिलता है जियो साइंटिस्ट के पेपर से जो कि एग्जाम हुआ है, पिछले हफ्ते ही हुआ है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है क्वेश्चंस दिखाते हुए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आए हैं, और हम वैसा ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यूपीएससी का पेपर ऐसा होगा, क्योंकि जियो साइंटिस्ट का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसका हिंट काफी हद तक लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में भी देखा गया था। तो वीडियो कुछ ऐसा दिखता है कि कितना कठिन होगा 2024 का यूपीएससी, इसको ध्यान रखें। और ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपके साथ हूं, हर एक कदम पे साथ हूं। आप मुझसे किसी भी मीडियम में कम्युनिकेट कर सकते हो, स्पेशली टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का मेरा आईडी है, प्राइवेट आईडी है, जिसमें आप डीएम कर सकते हैं @AyushSanghi1। और आयुष सांघी IAS अकेडमी टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। उस पे डेली करंट अफेयर्स भी आते हैं और आपके लिए करंट अफेयर्स को लेके हम एक नया इनिशिएटिव वीकली बेसिस पर भी शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं सिर्फ आपके लिए हैं। जरूर 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 सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि अपकमिंग स्ट्रेटेजी आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए फिर अकॉर्डिंगली बाकी चीजों पे भी वर्क करूंगा, बाकी चीजों की भी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।